रखते हैं उसको। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर टू, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, लीडरशिप थ्योरीज टॉपिक है आज का। एंड ये न्यू टॉपिक है, इट इज नॉट गिवन इन ओल्ड बुक्स। सो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ये जब मैंने तुम्हें सिलेबस दिखाया था तब भी बताया था कि एक्चुअली देयर आर ओनली टू थ्योरीज इन योर सिलेबस, ट्रेट थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरी। पर और भी हम यहाँ पर बुक में भी गिवन है और हम यहाँ पे और भी डिस्कस भी करने लगे हैं, बट ये वाली दोनों डिटेल में करेंगे। ट्रेट थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरी वी विल डिस्कस इन डिटेल, बाकी सारी थ्योरीज का ओवरव्यू करेंगे। और एक ग्रेट मैन थ्योरी भी थोड़ी सी डिटेल में हो जाएगी क्योंकि ट्रेट थ्योरी उसी से डिराइव हुई हुई है। ओके, सो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप कौन कौन सी हैं? ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, पार्टिसिपेटिव थ्योरी, ट्रांजेक्शनल थ्योरी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। तो फर्स्ट इज ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी वॉज प्रपोज बाय थॉमस कार्लेल, ठीक है, इन 1840। इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ग्रेट लीडर्स विल अराइज व्हेन देयर इज ग्रेट नीड, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो अपने आप लीडर्स जो हैं दे विल कम फॉरवर्ड। तो इट बिलीव्स दैट लीडरशिप इज एन इनहेरेंट ट्रेट ऑफ अ पर्सन हु इज डेस्टिन्ड टू बिकम अ ग्रेट लीडर बाय बर्थ एंड दे हैव टू प्रूव, दे प्रूव देमसेल्व्स व्हेन द ग्रेट नीड अराइजेस। ये क्या बिलीव करती है कि जो लीडरशिप क्वालिटी है वो पर्सन में बाय बर्थ होती है और उसमें बनाई नहीं जा सकती है, उसमें लाई नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को पढ़ाकर, किसी को सिखाकर उसमें लीडरशिप क्वालिटी ले आए। ये बिलीव करते हैं लीडर्स जो है लीडरशिप क्वालिटी है वो बाय बर्थ ही किसी में होती है, और वो ये प्रूव भी कर देते हैं जिनमें ये बाय बर्थ होती है, दे प्रूव देमसेल्व्स व्हेन द ग्रेट नीड अराइजेस। जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो वो इसको प्रूव भी कर देते हैं कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। सो इन अदर वर्ड्स, सम पीपल आर बॉर्न टू बिकम लीडर्स एंड लीडरशिप इज अ हीरोइक एक्ट। तो ये दूसरे वर्ड में हम क्या कह रहे हैं कि सम पीपल आर बॉर्न टू बिकम लीडर्स, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ठीक है, लीडर्स जो है वो पैदाइशी होते हैं, बनाए नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लाइक महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, जोसेफ स्टैलिन डिड नॉट रिसीव लीडरशिप ट्रेनिंग, हाउएवर दे टुक ऑन लीडरशिप रोल्स एंड कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ मासेस। तो इसने एग्जाम्पल्स दी हैं, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, ये सारे रेवोल्यूशनर्स थे बड़े बड़े, तो इन लोगों ने कहीं से लीडरशिप की ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने लीडरशिप रोल्स को अडॉप्ट किया और बहुत सारे मासेस को इन्फ्लुएंस किया अपनी इमेजिनेशन से। मासेस मींस बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लगा लिया। सो ये ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है कि लीडर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। पढ़ा के लिखा के किसी को लीडर नहीं बनाया जा सकता, लीडरशिप क्वालिटी बाय बर्थ होती है। दिस इज ग्रेट मैन थ्योरी। क्रिटिसिज्म, अब इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया, इसकी आलोचना क्यों की गई? इट वॉज अ मेल सेंटरिंग अप्रोच व्हेन वुमेन हैव प्रूव टू बी ग्रेट लीडर्स टू। तो इसमें ग्रेट मैन लिखा हुआ है, मतलब ये क्या बिलीव कर रहा है कि ओनली जो मैन है दे कैन बिकम लीडर्स, वुमेन को इसने इग्नोर किया हुआ है। तो जबकि आजकल वुमेन आर ऑल्सो ग्रेट लीडर्स। दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट लीडरशिप कैन नॉट बी लर्नड और टॉट एट एज इट इज एन इनहेरेंट ट्रेट। ये यही बात है कि लीडरशिप जो है वो सीखी नहीं जा सकती, ये बाय बर्थ अपने अपने में क्वालिटी होती है, इनहेरेंट ट्रेट है, इनबिल्ट ट्रेट है, इनबिल्ट क्वालिटी है। देयर इज नो साइंटिफिक वैलिडेशन टू सपोर्ट दिस थ्योरी। कोई भी साइंटिफिक रूल लॉ नहीं है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। इट निग्लेक्टेड द एनवायरमेंटल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लीडरशिप प्रोसेस। तो इसने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नहीं कंसिडर किया, सिचुएशनल फैक्टर्स को नहीं कंसिडर किया। जैसे तुम्हें लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताया था, तो उसने बोला था कि सपोज सब लोग क्या हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ सब लोग इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इलिटरेट हो सकते हैं लोग, तो वहां पर हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज करते हैं। तो मतलब इसने सिचुएशन को, इसमें हम सिचुएशन को देखकर अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमें कौन सा स्टाइल यूज करना है, कि हमें ऑटोक्रेटिक यूज करना है, कि हमें डेमोक्रेटिक करना है, या हमें फ्री रेन करना है। हम पहले देखते हैं हमारे फॉलोअर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो थ्योरी है ग्रेट मैन थ्योरी, इसने ये सब चीजें निग्लेक्ट कर दी हैं, इसने इन सब चीजों को कंसिडर नहीं किया है। नेक्स्ट थ्योरी इज ट्रेट थ्योरी। सो ये दिस वॉज प्रपोज्ड बाय राल्फ एम स्टॉकडेल,
इन 1940s द बेसिस ऑफ ट्रेड थ्योरी इज द प्रीमाइस दैट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड. सो ये ट्रेड थ्योरी इसी पे बेस्ड है, ग्रेट मैन थ्योरी पे. ये ग्रेट मैन थ्योरी पर ही बेस्ड है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड. तो ये क्या बिलीव करती है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो अगर पर्सन में हो तो हम ये मान लेते हैं कि वो लीडर बन सकता है. ठीक है, द थ्योरी स्टेट्स दैट कंपैरिजन ऑफ योर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स टू द लिस्ट ऑफ ट्रेट्स ऑफ मेनी सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लीडर्स कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट योर लीडरशिप इफेक्टिवनेस. तो इस थ्योरी में क्या है, इन्होंने कुछ क्वालिटीज लिस्ट कर ली हैं जो लीडर्स सक्सेसफुल रहे हैं, अगर उनमें वो क्वालिटीज थी तो जिस किसी और पर्सन में भी अगर वो सेम क्वालिटीज हैं तो इसका मतलब वो लीडर बन, वो एक लीडर बन सकता है, एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है. तो और ये क्या बिलीव करता है, इट बिलीव दैट एन इंडिविजुअल मस्ट पोजेस द की पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी एन इफेक्टिव लीडर एंड दीज ट्रेट्स आर इनहेरेंट बाय बर्थ. तो यही चीज मैं पहले बता रही हूँ कि ये क्या बिलीव करता है कि किसी इंडिविजुअल में, किसी पर्सन में कुछ फिक्स्ड क्वालिटीज हैं जो होनी चाहिए तभी वो एक इफेक्टिव लीडर बन पाता है. और ये भी बिलीव करता है कि वो क्वालिटीज उसमें बाय बर्थ होती हैं, क्योंकि तभी है कि लीडर्स आर बॉर्न दे आर नॉट मेड. ठीक है, ये दोनों में, ग्रेट मैन थ्योरी में भी है और इसमें भी यही बिलीफ है, ट्रेड थ्योरी में भी, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड. अब ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से ट्रेट्स हैं, जैसे सम ऑफ द कोर लीडरशिप ट्रेट्स बेस्ड ऑन दिस थ्योरी कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज. ये कुछ हैं, वी कैन लिस्ट मेनी मोर, जैसे फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स. फिजियोलॉजिकल मींस तुम्हारा फिजिक कैसा है, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर, कलर, अपेयरेंस एंड सो ऑन. मतलब तुम्हारी हाइट अगर लंबी चौड़ी है, डील डॉल कैसा है, जैसे हमने गुड लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी की थी तो उसमें भी किया था कि लीडर का जो डील डॉल है वो अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि अगर कमजोर होगा तो उसको देख के ही सब लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे. तो उसका डील डॉल अच्छा होना चाहिए. ये फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स हैं. सोशियो इकोनॉमिक ट्रेट्स क्या हैं, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एज, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी, अर्निंग्स, ये सब हैं. मतलब फाइनेंस से भी रिलेटेड हैं और वैसे सोसाइटी में तुम्हारा कैसे है सिस्टम, मैरिड हो के नहीं हो, ये सारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं. पढ़े लिखे कितने हो, लिटरेसी मीन्स पढ़े लिखे कितने हो, काम क्या करते हो, तुम्हारी अर्निंग कितनी है, पैसा कितना है तुम्हारे पास. So these are socioeconomic characteristics. Then there are personality traits. Personality traits क्या हैं? Extraversion, self-confidence, patience, agreeable, reliable, honesty, etc. तो extraversion होता है कि लोगों के साथ कितनी जल्दी mix-up हो जाता है, कितनी जल्दी किसी के ऊपर control कर लेता है. That is extraversion. कहीं group में जाके बोल सकता है कि नहीं बोल सकता. ठीक है, और इसका opposite होता है introversion, means shy person. जो सब लोगों के, जैसे किसी को एड्रेस करना हो, क्लास में से किसी को उठा के बोल दिया कि आके यहाँ पर आके स्टेज पे आके कुछ बोलो, जो स्टूडेंट बोल लेता है वो एक्सट्रोवर्ट है, उसमें एक्सट्रोवर्जन ट्रेट है. जो नहीं बोल पाता वो इंट्रोवर्ट है. ठीक है, तो जिस ये लीडर बनने के लिए एक्सट्रोवर्जन क्वालिटी चाहिए. देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस, एग्रीएबल, रिलायबल, ऑनेस्ट एटसेट्रा. अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेशेंस मतलब धीरज होना चाहिए, एग्रीएबल मीन्स लोगों को अपने साथ मिलाने वाला होना चाहिए, लोग उसकी बात मान लें, रिलायबल मीन्स लोग उस पर विश्वास करें, ऑनेस्ट मीन्स सच्चा इंसान होना चाहिए. देन इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स तुम्हारी उसके साथ इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड होते हैं, डिसाइसिवनेस, इंटेलिजेंस, जजमेंट एबिलिटी, नॉलेज, इमोशनल एट्रीब्यूट एक्सेट्रा. डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, इंटेलिजेंस कितनी है, मतलब ग्रैस्प फैक्ट्स कितनी जल्दी तुम्हें समझ में आ जाते हैं, जो सच्चाई है कितनी जल्दी समझ में आ जाती है. जजमेंट एबिलिटी, कोई चीज जज कर सकते हो कि नहीं, ये क्या अच्छा है क्या बुरा है. नॉलेज कितनी है. इमोशनल एट्रीब्यूट, कितनी जल्दी गुस्सा आता है, कितनी जल्दी शांत रहते हो, काम लीडर हो के एक्टिव लीडर हो, कैसे लीडर हो. देन टास्क रिलेटेड ट्रेट्स, अटेनमेंट ड्राइव, डेडिकेशन, इनिशिएटिव, डिटर्मिनेशन एटसेट्रा. टास्क रिलेटेड मीन्स अगर सपोज तुम्हें कोई काम दे दिया जाता है तो तुम आई यू डेडिकेटेड या उसको डिले करते रहते हो, एकदम से जुड़ जाते हो और डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हो कि मैंने ये टाइम पे खत्म करना है, या आराम आराम से लगे रहते हो. इनिशिएटिव मीन्स हर लीडर को एक इनिशिएटिव जरूर लेना होता है, जैसे अपने आप से कोई नया काम करना, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव. एंड अटेनमेंट ड्राइव मीन्स जो गोल्स मिले हैं उनकी तरफ मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. देन सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रेंड्स सर्कल कितना है, रिलेशंस कैसे हैं सीनियर्स के साथ, अपने लेवल वाले बंदों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं.
कॉर्डियल है कि लड़ाई झगड़ा रहता है, देन पर्सन इज कोऑपरेटिव और नॉट कोऑपरेटिव. और भी कुछ ट्रेट्स यहाँ पे मेंशन है, सच करिश्मा, देन एडेप्टिवनेस, क्रिएटिविटी, यूनिकनेस. सो दी मतलब और भी ट्रेट्स लिस्ट कर सकते हैं, बट दीज आर द मेजर ट्रेट्स विच वी कैन डिस्कस. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग. सो क्रिटिसिज्म क्या है? दिस थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज सिंस इट निग्लेक्टेड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच मे नॉट ऑलवेज रिमेन द सेम. तो इसमें तुम्हें क्या बताया कि सपोज किसी लीडर के पास सारे ट्रेट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, बट कभी सिचुएशन आई कि जब उसको मौका था कि वो लीडर बन जाए, तब क्या हुआ? तब वो स्टेबल नहीं था इमोशनली, ही वॉज नॉट स्टेबल एट दैट टाइम. उस टाइम पे वो कुछ और ही सोचता रह गया और कुड नॉट लीड द सिचुएशन. तो उस टाइम पे वो लीडर नहीं बन सका. तो मतलब किसी टाइम पे किसी लीडर में कोई क्वालिटी हो भी सकता है, हो, बट उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो उस टाइम पे लीडरशिप क्वालिटी अपनी दिखाकर पूरी जो जितनी भीड़ है, जितने फॉलोअर्स हैं, उनको एड्रेस कर पाता है कि नहीं कर पाता है. दीज आर एनवायरमेंटल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स. ये दोनों रिलेटेड हैं. एनवायरमेंटल एंड सिचुएशन फैक्टर मीन्स कि जब तुम्हारे तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है. सपोज वो किसी कारण की वजह से उदास है और वो नहीं एड्रेस करना चाहता अपने सामने वाले फॉलोअर्स को, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को उसने दबा दिया है, ठीक है, तो वो मतलब लीडर नहीं बन पाया. सो ये क्रिटिसिज्म था इसका कि ऑल्दो उसमें सारी क्वालिटीज थी, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि उसका मूड ठीक नहीं था, तो वो अपने लीडरशिप क्वालिटी को बाहर नहीं ला पाया. देन लिस्ट ऑफ ट्रेट्स इज क्वाइट वास्ट एंड कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, यहाँ पर हमने सिर्फ थोड़ी सी डिस्कस की है. देन इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन फेलियर्स डिस्पाइट पोजेसिंग द सर्टेन ट्रेट स्पेसिफाइड इन द थ्योरी. तो ये क्या कहते हैं कि जो ट्रेट्स इसने लिस्ट किए थे वो सारे थे लीडर में, पर फिर भी जो लीडर था वो फेल हो गया. तो क्यों फेल हो गया ये ट्रेट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है. मतलब जितने भी ट्रेट्स उसमें ट्रेट थ्योरी में मेंशन किए गए हैं सारे किसी पर्टिकुलर लीडर में थे, बट वो सारे ट्रेट्स होने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो फेल हो गया. तो वो ये ट्रेट थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाती कि ये क्यों फेल हो गया, जब सारे ट्रेट्स जो थे वो मेंशनड थे, वो थे इसमें, तो क्यों फेल हो गया. मोर ओवर ऑफ द आइडेंटिफाइड ट्रेट्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू लर्न मोस्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड ट्रेट्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड ट्रेनिंग. तो ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जितने भी ट्रेट्स मेंशनड हैं उनमें से कई सारे ट्रेट्स ऐसे हैं जो बार बार प्रैक्टिस करने से, ट्रेनिंग से हम एक्वायर कर सकते हैं. जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हम हर पर्सन अपने में डेवलप कर सकता है. सपोज कोई पर्सन एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट है, शाय है, लोगों के सामने जाके बोल नहीं सकता, तो अगर वो बार बार प्रैक्टिस करे तो उसमें ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है. तो इसी तरीके से और बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से डेवलप हो जाती हैं. सो ये इन सब चीजों की वजह से ट्रेट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया. ट्राई ऑल्सो बिहेवियरल थ्योरी. After understanding that personal traits of a leader are essential for effective leadership, the researchers were now keen to know that what leaders do to become effective leaders. क्या मतलब है कि अब ट्रेट थ्योरी में उन्होंने ट्रेट्स पे कंसंट्रेट किया, क्या क्वालिटीज हैं लीडर में, इस चीज पे कंसंट्रेट किया. बिहेवियरल थ्योरी में उन्होंने कंसंट्रेट करना है कि लीडर करता क्या है सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब उसका क्या बिहेवियर रहता है, कैसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है. सो दस दे नाउ फोकस्ड ऑन लीडर्स बिहेवियर रादर देन ट्रेट्स. तो उन्होंने लीडर के बिहेवियर पे फोकस करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं. टू स्टडी द लीडर बिहेवियर ऑफ द लीडर, टू मेजर रिसर्च प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड बाय टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज. तो इन दोनों ने स्टार्ट किया बिहेवियरल थ्योरी पर रिसर्च. इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं. बिहेवियरल थ्योरी द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडीज. ये क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया. अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चनेयर टू बी सर्वेड इन मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सेटअप्स टू डिटरमिन द परसेप्शन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स फॉर द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ देयर लीडर्स. उन्होंने सबॉर्डिनेट्स से, जो फॉलोअर्स थे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनको फॉर्म दिया एक, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उनके बेसिस पे लीडर का बिहेवियर दो पार्ट्स में डिवाइड किया. कुछ लीडर्स कंसिडरेट होते हैं, ठीक है, कंसिडरेशन, और कुछ इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर. मतलब ये दो क्वालिटीज, ये दो बिहेवियर जो था, इन ये दो टाइप का बिहेवियर सब में था. मतलब किसी में सम लीडर्स वर कंसिडरेट, सम हैड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर. तो कंसिडरेट लीडर कौन से हैं?
द लीडर्स आर अटेंटिव टुवर्ड्स देयर सबॉर्डिनेट्स एंड बिल्ड अप एन एक्सीलेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद देम. दे आर सपोर्टिव एंड फ्रेंडली. दिस वॉज टर्म्ड एज पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर. कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? वो अपने सबॉर्डिनेट्स का ध्यान रखते हैं. ये क्या बता रहे हैं ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी वाले, कि जब इन्होंने क्वेश्चनेयर फिल करवाया तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फॉलोअर्स ने क्या बोला कि उनका लीडर क्यों सक्सेसफुल था? बिकॉज ही वॉज कंसिडरेट. कंसिडरेट का क्या मतलब होता है? कि वो उनका ध्यान बड़ा रखता था. ही वॉज सपोर्टिव एंड फ्रेंडली. सो दिस वॉज टर्म्ड एज पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर. मतलब वो लोगों को ध्यान में रख के अपना बिहेवियर डिजाइन करता है. तो जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकती है कंसिडरेट की? जैसे कुछ एम्प्लॉयज के लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रख दिए गए, ठीक है. कुछ एम्प्लॉयज सुबह आना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अदर एम्प्लॉयज फील कंफर्टेबल वाइल वर्किंग एट लेट इन द इवनिंग. तो उन्होंने उस हिसाब से उनको डिजाइन कर दिया कि तुम फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रख दिए कि तुम जब आना चाहो तब आ जाओ. इसके साथ ही जैसे सपोज बहुत सारे लेडीज काम करती हैं, या कुछ ऐसे कपल्स हैं जो दोनों ही काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके बच्चों के लिए क्रच खोल दिया. दिस इज कंसिडरेट बिहेवियर, ठीक है. तो ऐसे लीडर सक्सेसफुल थे, या फिर जिनका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर था. इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या मतलब है? द लीडर्स आर मेजरली कंसर्न्ड अबाउट द अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड शेड्यूल एंड स्ट्रक्चर वर्क अकॉर्डिंगली. फॉर सच लीडर्स सबॉर्डिनेट्स आर जस्ट रिसोर्सेज एंड दे हैव टू मेक द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ देम. दिस वॉज टर्म्ड एज टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर. तो कुछ लोगों का क्या था बिहेवियर? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर. इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में क्या है कि द लीडर्स आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट अचीवमेंट ऑफ गोल्स. तो वो अपना काम इस तरीके से शेड्यूल करते हैं कि सारे के सारे सबॉर्डिनेट्स अच्छे से काम कर सकें और काम बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट कर सके, बाद में उनको कोई ताके प्रॉब्लम ना हो. तो इन लीडर्स के लिए जो फॉलोअर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, दे आर ओनली लाइक रिसोर्सेज. दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे आर ओनली रिसोर्सेज. एंड वो लीडर्स क्या करते हैं? उनकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं. तो ऑप्टिमल की हम पहले भी बात कर चुके हैं. व्हाट इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन? कि हम उनको बहुत ना ओवर यूज करते हैं ना अंडर यूज करते हैं. कोई भी पर्सन जो है वो ना तो उसके पास काम बहुत ज्यादा है, ना ही ऐसा है कि काम बहुत कम है. सो दिस वॉज टर्म्ड एज टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर. तो नेक्स्ट मिशिगन स्टेट की स्टडी है, University of Michigan studies. This study is based on how the leader's behavior is related to group performance. Researchers made a comparison of effective managers with ineffective ones and found that two can be discriminated on the basis of their behavior, that is job-centric behavior and organizational member-centric behavior. So, ये इन्होंने क्या Michigan State studies ने क्या Michigan University ने क्या study किया कि जो leader का behavior है वो ग्रुप परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है. उन्होंने इफेक्टिव मैनेजर्स और इनइफेक्टिव मैनेजर, जो सक्सेसफुल थे उनका बिहेवियर और जो अनसक्सेसफुल थे दोनों का बिहेवियर चेक किया. कुछ का बिहेवियर जॉब सेंट्रिक था और कुछ का बिहेवियर सिर्फ ऐसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर सेंट्रिक. जॉब सेंट्रिक मीन्स कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि उनको जॉब में सक्सेसफुल होना है, और कुछ सिर्फ अपने आप को कंसिडर करते हैं मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, यहाँ सिर्फ सैलरी लेने आता हूँ. तो दो टाइप के ये हमारे बिहेवियर थे. कुछ जो जॉब सेंट्रिक थे दे वर सक्सेसफुल, और जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर सेंट्रिक थे दे वर अनसक्सेसफुल. द स्टडी फर्दर रिजल्टेड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर एडिशनल बिहेवियर्स पोटेंशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप: सपोर्ट, वर्क फैसिलिटेशन, गोल एम्फेसिस एंड इंटरेक्शन फैसिलिटी. सो नेक्स्ट बिहेवियरल थ्योरी एज प्रपोज्ड बाय कर्ट लुइन. ये थर्ड पर्सन है. इसकी थ्योरीज बिल्कुल उसी तरीके से रिलेटेड है जैसे हमने तीन स्टाइल्स किए थे, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप एंड लेस फेयर और फ्री रेन लीडरशिप. तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ये क्या कहते हैं कि कब यूज करो डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज विदाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन बाय अदर मेंबर्स ऑफ द टीम. तो बाकी मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. और ये कब यूज करनी है? जब एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा तुम्हें कल भी पिछले लेक्चर में भी बताया था लीडरशिप स्टाइल्स में, कि जब एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है और इलिटरेट हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, यू कैन यूज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. पार्टिसिपेटिव लीडरशिप मींस कि तुम ग्रुप मेंबर्स को साथ लेके चलते हो, उनसे डिसीजंस के बारे में पूछते हो, एनकरेज ग्रुप मेंबर्स टू पार्टिसिपेट बट रिटेन द फाइनल से ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और लेस फेयर क्या था? गिव लिटिल टू नाउ गाइडेंस टू ग्रुप मेंबर्स.
मतलब कि लिटल टू नो आना है, नाउ नहीं आना, नो आना है, नो गाइडेंस टू ग्रुप मेंबर्स, उनको कोई गाइडेंस नहीं देते हो, तुम बाहर म्यूट खड़े देखते रहते हो, अगर लड़ाई झगड़ा होता है तभी इंटरवीन करते हो। तो ये बिल्कुल लीडरशिप स्टाइल्स के जैसे है, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय कर्ट लुइन। फर्दर इसी को स्टडी करते हुए, इस थ्योरी को स्टडी करते हुए, ये दो लोगों ने ये बनाया, रॉबर्ट टेनेनबॉम और श्मिट ने एक कंटिन्यूम बनाया, ये वाला जैसे ये इस इमेज में दिखाया हुआ है। इस तरफ है हमारे पास बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, इधर है सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। तो जैसे जैसे हम इधर से उधर मूव कर रहे हैं, एरिया ऑफ फ्रीडम फॉर सबॉर्डिनेट्स ये इंक्रीज हो रहा है, और यूज ऑफ अथॉरिटी बाय मैनेजर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बिगिनिंग में क्या है, मैनेजर सारे डिसीजंस लेता है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मैनेजर इनवाइट करने लग जाता है आइडियाज, फिर मैनेजर उनको अपने बीच में इन्वॉल्व करने लग जाता है, उनसे सजेशंस लेने लग जाता है सबॉर्डिनेट्स से, फिर फाइनली मैनेजर क्या करता है कि मैनेजर परमिट सबॉर्डिनेट्स टू फंक्शन विद इन लिमिट्स डिफाइंड बाय सुपीरियर। तो ये हमारी डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, उन्होंने ये कंटिन्यूम बनाया कि धीरे 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 इसको इस तरीके से बताया जा सकता है कि लीडर्स ऐसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, बिहेवियरल बिहेवियरल थ्योरी की कंक्लूजन। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इफ यू कंडीशन योर बिहेवियर फॉर द रिस्पॉन्स टू एनी गिवन सिचुएशन, यू कैन बी अ लीडर। इट फोकसेस ऑन योर बिहेवियर एंड एक्शंस रादर देन ट्रेट्स और एबिलिटीज। तो ये क्या करता है, अपना बिहेवियर अगर प्रॉपरली कंडीशन करते हो, कंडीशन मींस इम्प्रूव करते हो, उसको सुधारते हो अगर बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन, तो यू कैन बिकम लीडर। और ये तुम्हारे बिहेवियर पे फोकस करता है, ट्रेट्स और एबिलिटीज पे नहीं, जैसे पहली दो थ्योरीज कर रही थी। देन योर बिहेवियर एज अ लीडर डिटरमिन्स योर परफॉर्मेंस थ्रू टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन, यू कैन ट्रेन योर सेल्फ टू बिहेव एज अ लीडर। दस द थ्योरी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन लीडरशिप, नॉट ऑन लीडर पे नहीं। नेक्स्ट इज सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी क्या है, सिचुएशनल थ्योरी में एनवायरनमेंट और सिचुएशन फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। सिचुएशनल थ्योरी प्रपोजेस दैट लीडर्स चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड अपॉन द सिचुएशन वेरिएबल्स। ये क्या कहती है कि जिस तरह की सिचुएशन है, लीडर्स उस तरीके का डिसीजन लेते हैं। नीचे एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल इन अ सिचुएशन वेयर द लीडर इज मोस्ट नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड, एन अथॉरिटेरियन स्टाइल मे बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक है, जैसे सपोज लीडर को ही सब कुछ आता है, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल भी वही है और एक्सपीरियंस भी वही है, तो फर्स्ट जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है वो सूट कर सकता है। तो ये सिचुएशन थ्योरी क्या कहती है, जिस तरह की सिचुएशन है हम उस तरीके की लीडरशिप अडॉप्ट कर सकते हैं। देन पार्टिसिपेटिव थ्योरी। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप थ्योरी सजेस्ट दैट आइडियल लीडरशिप स्टाइल इज वन दैट टेक्स इनपुट ऑफ अदर्स इनटू अकाउंट। These leaders encourage participation and contributions from group members and help group members feel more relevant and committed to decision making process. So, ये participative theory किसके जैसी है? Democratic leadership style के जैसी। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें क्या रहता है? Participative leadership style में क्या होता है कि जैसे सब employees को participate करने के लिए बोला जाता है, उनसे decision के बारे में पूछा जाता है। In participative theories, leader retains rights to allow the input for others. This theory leads to better quality decisions. So, जैसे democratic में होता था, decisions better हो जाते थे, यहाँ पर भी quality of decisions इसकी वजह से better हो जाती है। Participative theory, सब मिलके decision लेते हैं, और situational theory means हम situation के leader situation के according decision लेते हैं। Transactional theory, transactional theory जो है, this emphasizes the realization of a desired outcome and result. The leaders motivate the followers by way of reward system, that is rewarding the performers and punishing the non-performers. Transactional theory कैसे है कि ये जो leader होता है इसमें motivate करता है employees को कैसे, reward system से। वो कहता है अगर ये काम कर लोगे तो ये prize मिलेगा, अगर नहीं कर पाओगे तो ये punishment मिलेगी। This is transactional theory. तो नेक्स्ट है, द थ्योरी एम्फसाइजेस मेंटेनिंग अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स, लीडर्स एंड फॉलोअर्स मस्ट वर्क म्यूचुअली टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बट ये इस चीज पे एम्फसाइज करती है कि रिलेशन आपस में अच्छा बना रहना चाहिए, ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम के साथ काम करना है बट रिलेशन आपस में अच्छा बना रहना चाहिए। कभी कोई जैसे तुमने देखा होगा जो डोमिनोज वगैरह होते हैं वहां पे, या मॉल्स होते हैं, उनमें एम्प्लॉई ऑफ द मंथ निकाला जाता है। ये एक तरीके का रिवॉर्ड सिस्टम है,
ठीक है, ये एक तरीके का रिवॉर्ड सिस्टम है मोटिवेट करने के लिए, तो ये ट्रांजेक्शनल थ्योरी के अंडर आता है। देन ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, और इसको रिलेशनशिप थ्योरी भी कहा जाता है। ये क्या कहती है, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी स्टेट्स दैट अ लीडर इज इफेक्टिव ओनली इफ ही कैन ट्रांसफॉर्म और चेंज द परसेप्शंस बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉलोअर्स एंड डायरेक्ट देम टुवर्ड्स अ कॉमन गोल व्हिच विल लीड टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ लीडर्स विजन। ये क्या कहते हैं कि लीडर ये तभी सक्सेसफुल है अगर वो अपने फॉलोअर्स को चेंज कर सकता है, उनका थॉट प्रोसेस चेंज कर सकता है, उनका बिहेवियर चेंज कर सकता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज कर सकता है, और उनको उस तरफ मूव करवा सकता है जो लीडर चाहता है वो करवा सकता है उनसे। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर लीडर ये सब करवाने में, जो वो चाहता है वो करवाने में सक्सेसफुल है, तभी वो सक्सेस आइडियल लीडर है। तो इसके फोर डायमेंशंस कौन से हैं, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन एंड इंडिविजुअल कंसिडरेशन। तो आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस में क्या है, लीडर्स एक्ट एज एन आइडियल और रोल मॉडल फॉर सबॉर्डिनेट्स। लीडर को सब जैसे देवता मानते हैं, उसको मानते हैं कि ये हम इसके जैसा बनना चाहते हैं, या जो ये कह देगा वो पत्थर पे लकीर है, वो हट नहीं सकता। फिर ऐसा जो है इसको आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस कहते हैं। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, लीडर्स इंस्पायर सबॉर्डिनेट्स। लीडर्स जो होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि ये वाला हमने काम करना है, ठीक है, इतना मोटिवेट करते हैं कि हमने ये काम करना है, उनको उनमें जोश भर देते हैं वो काम करने के लिए। देन इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन मीन्स लीडर स्टिमुलेट्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ फॉलोअर्स। दिस रिजल्ट्स इन रेजिंग द क्रिएटिविटी इन देम, प्रमोट इंटेलिजेंस, रेशनैलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये क्या है कि जैसे सब लोग जो हैं वहाँ यहाँ पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पे ये काम कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन, क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो सिमुलेशन होती है वो रिलेटेड होती है कि कितने तुम्हारी इंटेलिजेंस कितनी है। तो लीडर क्या करता है, उनकी इंटेलिजेंस को स्टिमुलेट करता है, उनकी इंटेलिजेंस को उजागर करता है कि देखो तुम ये काम कर सकते हो, तुम क्रिएटिव हो, और उन उनमें ये इंटेलिजेंस पैदा करने से क्या हो जाता है, उनको एक्सपीरियंस भी गेन होता है और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। देन इंडिविजुअल कंसिडरेशन, लीडर पेज मोर अटेंशन टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स सो एज टू अचीव सक्सेस। ये कंसिडरेशन वही है जो हमने पहले भी की है। हाँ जी शाइन, यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम, गलती से लग गया। ओके, सो इंडिविजुअल कंसिडरेशन वही चीज है जो हमने पहले भी की है कि लीडर पेज मोर अटेंशन टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स, उनका ध्यान बहुत रखता है लीडर, तो उस तरीके से वो सक्सेसफुल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन